यस तमाम नाजरीन, मैं आपसे खालिद अहमद ज़मीर, प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना इवेंट ऑर्गेनाइज़र। हम जो है हर साल हैदराबाद में दो शो करते हैं, ऑल इंडिया हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर शो, जो नर्सरी मेले के नाम से मशहूर है, और ये काफ़ी पसंदीदा शो माना जाता है हैदराबाद का, जो पीपल प्लाजा नेकलेस रोड पर 5 दिन के लिए होता है। इस बार भी ये 19 तारीख से शुरू हुआ है और 23 तारीख तक ये बरकरार रहेगा। और इस शो की जो है खसूसियात ये है कि इसमें जो दुकानें लगाने के लिए लोग आते हैं पार्टिसिपेंट, वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, बड़ी दूर दूर से, साउथ, ये आपके बंगाल के जो है कोने कोने से जो है यहाँ नर्सरियाँ मौजूद है, और कश्मीर के जो है लोग यहाँ मौजूद हैं। इस तरीके से जो है आपके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, कर्नाटक से, बेंगलोर, उसके अलावा भी काफ़ी दूर दराज इलाकों से जो है यहाँ पे नर्सरियाँ, और इससे जो है आपके पेड़ पौधों का जो है जो चीज़ें हैं, ज़रूरियात है, वो पूरी करने के लिए दुकानें मौजूद हैं। अपना तेलंगाना, आंध्रा की भी काफ़ी नर्सरीज है, पुणे की, इस तरीके से सीटी वगैरह से भी काफ़ी नर्सरियाँ यहाँ पे, कुल मिला के जो है 140 तक की जो है यहाँ नर्सरियाँ मौजूद हैं। और इसमें सिर्फ फूल और फल के ही दरख्त नहीं, मेडिसिनल प्लांट्स है, ऑक्सीजन प्लांट्स है, इसके अलावा आर्किड्स है, एडेनियम है, बोनसाई है, तमाम आपको इलायची, लौंग, हर चीज़ का झाड़ यहाँ पर मौजूद है, पौधा मौजूद है, और हर किस्म की खाद मौजूद है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फर्टिलाइज़र्स जो है ये भी मौजूद है, पेस्टिसाइड वगैरह में भी जो है आपको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है जो आपको नुकसान कम देने वाली चीज़ें हैं। इस तरीके से यहाँ पर बीज, तुखम, और जो बास गड्ढे जो बोलते हैं आप डेलिया वगैरह के, ये सब की दुकानें मौजूद हैं हर किस्म की। और इसके अलावा शहद कैसे पाला जाता है उसके लिए भी आपको दुकानें मौजूद हैं हर किस्म की। आपको पॉट्स के अंदर जो है सेरेमिक पॉट मौजूद है, मिट्टी के लिए पौधे लगाने के लिए मौजूद है, आपको ग्रो बैग्स मौजूद है यहाँ पर, और इस तरीके से प्लास्टिक की कई वेराइटीज पॉट्स के अंदर मौजूद है, और ये बागबानी के लिए जो औज़ार की ज़रूरत है उसके भी काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर एक ही ग्राउंड के ऊपर आपको तमाम चीज़ें जो है जो गार्डनिंग के लिए दरकार होती हैं वो मौजूद है, ख़ास करके नई टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोपोनिक है, सिर्फ बगैर मिट्टी के आप जो है पेड़ पौधे, ये तरकारी वगैरह कैसे उगाई जाती है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा खसूसियत से इम्पोर्टेड प्लांट्स है, आर्किड्स जो यहाँ पे एक दो कलर में होते हैं, 20 कलर के यहाँ पर मौजूद है, जो इम्पोर्ट करके आते हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेड झाड़ भी यहाँ पर है। इसमें 50 रुपये से लेकर कम से कम 2-2.5 लाख रुपए के भी झाड़ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी पब्लिक है, और बिल्कुल जो है शौकीन लोग यहाँ पे आते हैं और ये ख़रीदारी करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी आइए, ज़रूर आके जो है शो की रौनक को बढ़ाइए, और अपनी जो ज़रूरियात होती हैं दूर दूर मत जाइए, एक ही ग्राउंड के ऊपर आपको सब दस्तियाब है यहाँ पर। और मैं आपको इतने से छोटी सी गुफ्तगु में इतना सारा कुछ बता नहीं सकता, उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको इंशाल्लाह चीज़ें मिल जाएगी। मेरी फिर एक बार गुजारिश है, और शो के बारे में और कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ये शो जो है सुबह 9 बजे से शुरू होता है, शाम के 9 बजे तक ये चलता है। ये शो की तारीखें मैंने बताई है पहले भी, ये 23 अगस्त तक ये शो रहेगा। और इसके अलावा थोड़ा सा पेंडेमिक था इसलिए मास्क वगैरह का इस्तेमाल ज़रूरी है, सैनिटाइजर्स वगैरह लगे हुए हैं, वो भी सोशल डिस्टेंस वगैरह। अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है, उसका फ़ायदा उठाइए और इस शो को ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अल्लाह हाफ़िज़।